दीज वंस आर वेरी डिफिकल्ट यू नो. हमारी मुलाकात अक्सर प्रेस से होती है जब हम कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या वी आर कमिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग समथिंग. बट दीज वंस आर रियली डिफिकल्ट एंड एस्पेशली फॉर मी बिकॉज आई हैव नॉट रियली बीन वन ऑफ दोज कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज एंड हियर माई लाइफ इज बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल नाउ. बट थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग इन. मुझे सिर्फ ये बोलना दिस गन बी शॉर्ट. आई कॉन्ट से शॉर्ट एंड स्वीट. देर इज नथिंग स्वीट अबाउट दिस. बट ऑल आई एम गोना से इज दैट आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो एंड देन यू मूव ऑन. यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव. फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट. एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है. आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी दैट यू नो आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग. यस आई एम, आई वेरी मच एम. बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक एस्पेशली जब से ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई डिड वॉज ऑन द 1st of June 2021. वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ पब्लिक फिगर और यूजुअली व्हेन यू आर फेमस एंड पीपल नो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ. तो जब FIR फाइल हुई द मीडिया गॉट टू नो एंड द अदर पार्टी करण मेहरा स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑब्वियसली आई हैड टू काउंटर इट. बट दैट टाइम आई वॉज इन पेन, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. अ लॉट वॉज हैपनिंग. पुलिस मेरे घर पर थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है. सडनली इट्स लाइक योर लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट. बट टुडे आई फील मोर कंपोज्ड. आई फील आई हैव डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीलिंग और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1.5 साल से. दैट मीन्स फ्रॉम 1st June 2021 अंटिल टुडे. तो विदाउट फर्दर अडू आई वाना काउंटर अ फ्यू एलिगेशंस दैट हैव बीन पुट ऑन मी. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी बट अ लॉट ऑफ पीपल टुक माई साइलेंस फॉर माई वीकनेस एंड आई वॉन्ट लेट यू नो दैट माई साइलेंस इज डेफिनेटली नॉट माई वीकनेस. आई एम बिजी प्रोवाइडिंग फॉर माई चाइल्ड. आई एम ट्राइंग टू अर्न माई लिविंग. आई एम मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. माई लाइफ हैज़ टेकन अ यू टर्न एंड दैट्स वाई एम बिजी डूइंग दैट. एंड आई थिंक दैट आई शुड डेफिनेटली गिव दैट मोर प्रायोरिटी दैन आंसरिंग टू एवरी सिंगल यूट्यूब एलिगेशन दैट कम्स माई वे. So without further ado, I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself because here we have a child involved. So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी दैट इज़ गोना बी फैक्ट बेस. दैट इज़ नॉट जस्ट माई फीलिंग, इट्स एक्चुअली वेरी फैक्चुअल. सो आई एम गोना काउंटर अ फ्यू पॉइंट्स. द फर्स्ट वन बीइंग, आई एम गोना ट्राई सर्टेन थिंग्स. ओके, आई एम गोना ट्राई. सो द फर्स्ट वन इज सेक्शन 377. जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो. जब आपका एक कोर्ट केस चालू है तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग बिकॉज वॉट इज़ इट गोइंग टू गिव यू. उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर
एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें अक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक अक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। दिस इज नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज नॉट मेड बाय मी। एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली। 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहां पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है। आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और यू नो इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर। उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड, यू हैव लिव्ड विद मी फॉर 13 ईयर्स। अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज विथ हिम। इट्स अ कम्प्लीट शेम। To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये section किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात counter नहीं करती, because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. One, two. I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं and ये rumors मेरे बारे में फैला रहे हैं और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें। तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. Fourth, the necessary documents along with proof like that has been attached in the court and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377. Now, I just want to ask that are there any questions related to this section that anybody has? Because I'm really going to take very limited questions in. Don't have one on one. Everybody's requested to take whatever. So this 377 जो धारा लगाई गई है ये आपकी तरफ से थी या फिर you know when you ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है। सो इज देयर एनी फैक्ट कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीजें परफॉर्म हुई है इसलिए ये धारा लगाई गई है? ऑब्वियसली करण ने इस चीज से साफ इनकार किया। सी, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा। टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो। आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो। दैट इज़ नॉट फेयर। ऑल आई एम सेइंग इज़ वॉट एवर करण हैज सेड इज़ रॉन्ग, बिकॉज हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है। All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो complaint copy आपने हमें दिखाई है, ये जो करण मेहरा पर जो complaint की है, वो वाली complaint copy है, right? Correct. उनके parents पर जो आपने complaint की है, वो? There is no parents पे complaint. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021. क्योंकि रात को हुआ था, तो वो file करते करते there were a few hours और वो first को register हुई. Okay. And then there is an FIR 2 जिसमें 377 included है। So from your side you are saying कि आपने उनके parents और उनके भाई पर कोई FIR? Absolutely I am saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये section उन पर नहीं लगाया गया है। Okay? Anything else? In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother
is wrong. I'm defying that accusation. And I've produced proof of that. जब आपने कोई कंप्लेन की ही नहीं तो आप उसका प्रूफ कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका प्रूफ कैसे दिखाया जाएगा? Right? So obviously the lawyer and coroner are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man? On how the section is written? You've shown it? Okay. I'm moving on to point number two, where Karan and his lawyer both have said ki FIR 1 ke baad Nisha ka medical nahi hua. Okay? Ki medical government hospital mein nahi hua. एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है ना कि दीवार पर मारने से और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है बाय द पुलिस इन द कोर्ट एंड देर इज़ एन इंजरी रिपोर्ट आई हैड गॉन to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital ka injury report jahan par main gayi thi. Now, I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. Wahan se mujhe government hospital le jaya gaya. Wahan par jaakar मेरी जांच पड़ताल हुई ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माय प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वाज ऑन माय फेस एंड इट वाज माय राइट टू रिफ्यूज़ इट तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई सो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग एलिगेशन देन आई केम बैक टू द पुलिस स्टेशन एंड देन माई फर्स्ट एफ आई आर वॉज फाइल्ड और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था जस्ट शो दैट वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है दैट्स इट सो आई हैव अ स्किन प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड कीलॉयड उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वूंड लगता है जब मेरा सी सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉयड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉयडल शॉर्ट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से दैट्स हाउ इट बिकेम ओके सो आई वॉज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉयडल इशू या कीलॉयडल स्कार ना रह जाए दैट्स वाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यस इट वॉज अ प्रॉपर सी द बिल ऑफ द अंबानी I think the first this happened and a 2 days. Yeah. Any questions pertaining to this medical?